हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की मैथ की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ले रहे हैं उनका। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है, इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई व्हाट देन विल बी द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब। कोई भी क्यूब है अपने पास, उसका अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम किस फॉर्मूले से देते हैं, क्यूब यानी जो घन है उसका आयतन हम देते हैं भुजा क्यूब यानी साइड का क्यूब। अब देखो, अगर पहले केस के अंदर हम साइड इसकी अक्ष मान लें और दूसरे केस के अंदर हम साइड इसकी अक्ष +2 मान लें, तो दोनों का अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का डिफरेंस आना चाहिए 488 वर्ग सेमी क्यूब वर्ग सेंटीमीटर। आयतन दिया है तो आयतन में वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेमी क्यूब आता है, हिंदी वाला एरिया के अंदर आता है वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो अपना ज़्यादा इजी होएगा। ऑप्शन से आप किस तरीके से करोगे, देखो दिए गए ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन से उठा लो, उसका क्यूब करो, उसके अंदर दो साइड जोड़ो। देखो दो तरीके, पहले अगर इसको इससे करोगे तो इजी रहेगा, जैसे कि कोई भी साइड मान लिया आपने, ये मान ली, तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, 6 का होता है 216, इसमें 2 और ऐड करोगे यानी साइड 2 8, 8 का क्यूब यानी 512, दोनों का डिफरेंस 488 आता है क्या, ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो इसमें से नहीं आएगा, लास्ट डिजिट का डिफरेंस देख लो, 2 और 6, 12 में से 6 गए 6, तो ये नहीं होगा। 8 का क्यूब करो, 8 का करोगे मतलब 1 से 10 तक क्यूब याद है तो ये जी हो जाएगा आपका। 8 का क्यूब करोगे तो 512, 8 में 2 ऐड किया आपने यानी 10, 10 का क्यूब करोगे तो 1000, इन दोनों का डिफरेंस निकलो, 1000 और 512 का डिफरेंस 488 आता है, यानी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा भाई ऑप्शन। दूसरे तरीके से आप जाना चाहते हो तो देखो, अक्स और एक है अक्स +2, तो अपना जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो आयतन होगा अक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जो आयतन बनेगा वो हो जाएगा अक्स +2 का क्यूब। अब इन दोनों का अपने को डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस होगा अक्स +2 का क्यूब माइनस अक्स का क्यूब वो आना चाहिए 488। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, देखो अक्स +2 का क्यूब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं तो ये आएगा अक्स क्यूब +b³ यानी 2 × 4 = 8 प्लस क्या हो जाएगा a³ +b³ +3 × a × b × a+b, ये अपना फॉर्मूला हो गया, माइनस अक्स क्यूब a+b³ का हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो लगाए हैं यहाँ पे a³ +b³ +3ab a+b, ये फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, बराबर 488। अब देखो अक्स क्यूब +8 प्लस ये हो जाएगा 3 × 6 x, अक्स +2 माइनस अक्स क्यूब बराबर 488, अक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस ये बनेगा आपको 6x² प्लस 6 × 12 x बराबर बनेगा 488। तो ये जो आगे वाली इक्वेशन बनेगी आपकी 6x² प्लस 12x 8 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आप कर दो 480 कर दो, इसको 6 का भाग दे दो पूरे के अंदर, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका 6 का जाएगा 880। अब देखो इसमें ये अपना इक्वेशन बन जाएगी अक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 बराबर 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है तब जाके अपना आंसर आएगा। तो देखो टुकड़े, इसके टुकड़े हैं, टुकड़े में कर दूँ 10 और माइनस 8 कर दो, जोड़ूंगा तो 10 और 8 में 2 हो गए और गुणा करूँगा तो 80 हो जाएगा, अक्स स्क्वायर के गुणा का भाग दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट स्टेप में साइन चेंज कर दूंगा यानी माइनस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो ये अक्स की वैल्यू आ गई, तो समीकरण क्या बनेगा अपने पास, अक्स की वैल्यू क्या आएगी 8 और 10 माइनस 10, माइनस 10 हम ले नहीं सकते तो 8 अपना आंसर हो जाएगा, अक्स की वैल्यू हम 8 ले लेंगे दूसरी 10 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये कह रहा है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या ये है वो 15 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का न्यूनतम मान ज्ञात करो। इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 15 देन द फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। अब देखो अगर इस संख्या के अंदर 15 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो यानी 15 के 15 की जो फैक्टर है 5 और 3, इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा, करेक्ट, तो हम 3 का भाग पूरा पूरा देते हैं इसके अंदर 1 3 6 p 5 7 8 5, उसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा कब जाएगा, जब दी हुई ऊपर वाली संख्या है इनका जो टोटल सम करेंगे उसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। तो हम सम कर लेते हैं, देखो 5 और 8 13 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, 35 प्लस ये अपना पी बच गया। अब देखो अपन में 35 में ये पी है और 3 का इसका नियरेस्ट मान, देखो ये पी में मैं क्या जोड़ूँ कि इसका 3 का पूरा भाग चला जाए, पी की जगह मैं 1 रख दूँ तो 36 हो जाएगा और 36 में 3 का भाग पूरा चला जाएगा यानी अपना आंसर आ जाएगा 12।
तो इसका यानी पूरा जा रहा है 12 बार। तो हमने पी की जगह क्या जोड़ा था, यानी एक जोड़ा था, तो इसमें पी की वैल्यू एक रखते ही इसमें 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट सिस्टर इफ द सम ऑफ द एजेज ऑफ 5 सिस्टर बॉर्न एट इंटरवेल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। अब देखो 5 बहनें हैं, 2, 3, 4, 5। पहले की आयु आप एक्स मान लो, दूसरे में 3 वर्ष का गैप लगाना है आपको, 3 वर्ष का गैप लगाना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये हो जाएगी एक्स प्लस 6, ये हो जाएगी एक्स प्लस 9 और ये हो जाएगी एक्स प्लस 12। अब इनका अगर हम सम करेंगे तो कुल टोटल है, टोटल आएगी आपके पास 50 वर्ष। सम करो देखो, अक्स 2, 3, 4, 5, तो 5 तो अक्स हो गई, प्लस इनको जोड़ो 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 50। तो 5 अक्स की वैल्यू हो गई 20, अक्स की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी बहन यानी एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन है, अक्स प्लस 12, अक्स की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगी 4 प्लस 12 यानी 16 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को, धारा के विरुद्ध जाएगा, अगर धारा की चाल हम मान लेते हैं V और नाविक की चाल मान लेते हैं U, तो विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी यानी अपोजिट, अपोजिट, तो अपोजिट कितनी चाल होगी, U माइनस V। तो U माइनस V यानी वो 40 किलोमीटर जा रहा है 8 घंटे में, तो U माइनस V हो जाएगा 40 किलोमीटर अपॉन में 8 आवर, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 5। जबकि धारा के साथ चलते हुए, साथ में कितना जाएगा 7, डाउन स्ट्रीम कितना जाएगा 7 यानी डाउन स्ट्रीम, और विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी अपनी यू प्लस वी, और वो 40 किलोमीटर जा रहे हैं 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड आ गई 8। तो उसकी देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 8 और जो अप स्ट्रीम है वो है 5, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, शांत जल में नाविक की गति क्या होगी, मतलब व्हाट वाज द रोवर्स स्पीड, यानी यू की वैल्यू निकालनी है अपने को। यू की वैल्यू कितनी कब आएगी, जब इन दोनों को हम जोड़ दें और आधा का भाग दे दें, इधर जोड़ेंगे तो वी वी कैंसिल हो जाएगा, यू यू हो गया अपना 2u और इधर हो गया 8 और 5 13, तो यू की वैल्यू आ गई 13/2 यानी 6.5 अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 10 इसकी जगह मैंने रख दिया 10 अल्फा, माइनस कोट एल्फा की जगह रख दिया मैंने 1.10 अल्फा, ठीक है। 10 अल्फा की वैल्यू ये रख देता हूँ मैं, √2 - 1 - 1/√2 - 1 ये रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो ये पोर्शन है ना ये वाला, इसको अपोजिट से गुणा कर देता हूँ, अपोजिट √2 + 1 से कर दिया और √2 + 1 से कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हो गया मेरा √2 - 1 √2 - 1 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह, और ये सॉल्व कर लेते इसको, देखो ऊपर तो आ जाएगा √2 + 1, नीचे क्या होगा √2 a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b² तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1। अब देखो ये हो गया √2 - 1, ये बन जाएगा अपने पास √2 + 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, √2 ये माइनस है यहाँ पे, √2 - 1 माइनस √2 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, और -1 - 1 - 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपने को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b³ का, a³ + b³ + 3ab a + b, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब a की जगह तो आप a रख लो और b की जगह 1/a रख दो, ठीक है, b की जगह ये b हो गया और ये a है, तो देखो ये बन जाएगा a + 1/a³, बन जाएगा a³ + b³ + 3 a × 1/a और a + 1/a। अब देखो यहाँ से हम मान रखेंगे a + 1/a की वैल्यू 3 होती है, तो ये 3 होगी, 3 यहाँ रखूँ तो 3 का क्यूब करूँगा, 3 × 3 = 9, 9 = 27 बराबर, ये अपने को आंसर निकालना है, इसको ऐसा कैसा रख लिया, प्लस ये कैंसिल हो गया 3 और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये 3 आ रही है। अब देखो ये हो गया 3 × 3 = 9 और 9 इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 27 - 9 हो जाएगा, 27 - 9 यानी 18, तो इसकी वैल्यू है अपने पास 18 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो अपने को एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर क्वेश्चन में कहा गया कि 20 समकोण पे हैं, ये सीम हो गया, ये ए हो गया, बी सी आपके पास 15 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है, ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये
राइट एंगल है, तो एसी कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा 15 का, एसी बन जाएगा अपना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 225 प्लस 64 का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 289 का अंडर रूट, यानी 17। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 17। अब कह रहा है कि एक सर्किल है वो इसके अंदर है, इंस्क्राइब्ड है सर्किल, और अपने को इसकी रेडियस बतानी है। क्वेश्चन में कहा गया इसकी आर बतानी है, ये क्वेश्चन है कि अपने को आर बतानी है इस अंदर वाले सर्किल की। तो इसमें आपको फॉर्मूला है, देखो ये ए है तो इसके सामने वाली भुजा ए होगी, ये बी है ये बी हो जाएगी, ये सी है ये सी होगी। तो अगर अंदर वाला सर्किल है तो उसका फॉर्मूला लगाओ आप डायरेक्ट, ए बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी इनका मल्टीप्लाइड करो तो आंसर हो जाएगा 8 × 15 अपॉन में 8 + 15 + 17। ठीक है, अब देखो 15 × 8 हो गया 120 अपॉन में, ये हो जाएगा 15 × 8, ये हो जाएगा 23 × 30 = 10 = 40, इसको आ गया 3 बार, 3 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी आर की वैल्यू। तो आपको अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या निकालनी है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर ये इसके अंदर बाहर होता तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आपके पास जो ये वृत्त ये आ गया इसका आधा कर देते हैं। इसका अगर ये बाहर की पूछ लेता है अपने को आर की वैल्यू बताओ, तो आर ये बन जा, तो आर क्या होता है इस 17 का आधा हो जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, चलो हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी यू, यू की वैल्यू है 0, अटेंड से वेलोसिटी ऑफ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो है 90 km/h इन 5 मिनट, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 मिनट। तो अज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ए है त्वरण है वो कॉन्स्टेंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन ड्यूरिंग द टाइम इज, एस की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी जो यूनिट है उसको एक में बदलेंगे, इसको मैं 90 है इसको 5/18 से गुणा कर दूँ तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, तो 25 m/s हो गया। 5 मिनट है इसको सेकंड में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 60 यानी 300 सेकंड बन जाएगा ये। अब देखो यू 0 है, वी है तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इस इक्वेशन से, वी बराबर यू प्लस 80 से, वी कितना हो गया 25 बराबर यू कितना है 0 प्लस ए इंटू टी, टी समय कितना है 300 सेकेंड, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/300 और ये हो जाएगी ए बराबर 1/12 m/s² ये आ गई ए की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या होती है, एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 m/s² यू 0 तो ये टर्म्स 0 हो गई तो ये हो गया 1/2 ए की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 1/12, टी टी की वैल्यू निकालनी है इस टाइम के अंदर यानी 300 सेकेंड, तो 300 × 300 कर दो। अब देखो ये जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, इसको मैं किलोमीटर में बदल लूँ, 1000 का भाग दे दूँ। ठीक है, अब देखो काट देते हैं, 3 0 2 0 और 1 0 3 0 कैंसिल, ठीक है 3 का भाग गया 4 बार और इसमें 4 × 8 हो गया, ऊपर हो गया 30 × 8 ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 6 × 8 = 56 4 × 8 = 40 3.75 किलोमीटर ये अपना आंसर हो जाएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा ये क्वेश्चन लगाना है और एक समीकरण ये लगाना है, दो समीकरण दो इक्वेशन आपको यूज में लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको रेशनल नंबर बताना है, प्रिमियम नंबर बताना है। देखो रेशनल नंबर वो होता है जो बिल्कुल पॉइंट जिसका या तो पॉइंट्स के बाद में वो टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 2.14 ये एंड हो गया तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर ये संख्या 2.14132 मतलब ये चल रही है एंड नहीं है तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहीं से मतलब निकालना है। अब इसका आप निकालोगे 12 का क्यूब रूट घनमूल निकालोगे तो आपके पास जो पॉइंट्स में संख्या आएगी उनका एंड नहीं होएगा, 4 का घनमूल निकालो तो एंड नहीं होएगा, 8 का घनमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का निकालोगे घनमूल तो आपका एंड नहीं होने वाला, तो परिमेय संख्या कौन सी बनी, इसका एज इट इज आंसर हो जाएगा तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक पाइप है 8 घंटे में 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको खाली कर सकता है। देखो एक तो फिलअप कर रहा है 4 आवर में और एक उसको एम्पटी कर रहा है कितने 10 आवर में, तो हम फिल करने वाले को ए ले लेते हैं, ए उसको 4 घंटे में भर रहा है
दूसरा इसको 10 घंटे में खाली कर रहे हैं। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी निकालेंगे इनके एलसीएम से, 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20। इधर इनकी निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, दक्षता, क्षमता। तो 4 का भाग देंगे 5 और 10 का भाग देंगे -2। ठीक है, अब देखो जब टंकी आधी खाली थी, आधी खाली थी का मतलब 20 यानी 10 भाग भरा हुआ था, 10 भाग और बनना था। कह रहा कि आधी खाली थी तो दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया, दोनों की दक्षता कितनी हो जाएगी तब? दोनों की दक्षता होगी 5 - 2 यानी 3, 3 होगी। ठीक है, दोनों की दक्षता होगी 3 और उनको भाग कितना बढ़ना है? 10 भाग बढ़ना है, 10 तो पहले से भरी हुई थी, 10 ही खाली थी, यानी 10 भाग बढ़ना है और दोनों की दक्षता 3। तो कितने समय में भरेंगे? 10 भाग भरेंगे 10/3, ये हो जाएगा 3 सही, 3 × 3 = 9 सही, 1/3। तो 3 तो घंटे हो गए, 3 तो आवर हो गए, और 1/3 आवर इसको मिनट में बदल देते हैं, 60 से गुणा किया 20, 3 आवर 20 मिनट, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आपको ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। बहुत ही सिंपल है, ए अनुपात बी आपके पास 3:8 और बी अनुपात सी आपके पास 6:13। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो टर्म्स एंड हो रही है नेक्स्ट वाली यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं होती है तो आप इनको इंटरचेंज कर दो। अब अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए उसके बाद बी और लास्ट वाला सी। तो इधर जो बनेगा वो होगा 3 × 6 यानी इनका, दूसरी टर्म्स आएगी 6 × 8 और लास्ट वाली टर्म्स आएगी 8 × 13। अब देखो 2 का काट दिया मैंने, 2 का गया 3 बार, 2 का गया 3 बार, 2 का गया 4 बार, 3 × 9, 8 × 3 = 24 और 13 × 4 = 52, ये अपना आंसर हो जाएगा 9 = 24 = 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.0713/31। अब देखो 3.1, इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर 10, यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दिए। अब देखो ये हो गया 0, तो मेरे पास हो गया 713/31 नीचे 1000। अब देखो यहाँ से देखो 31 का इसमें भाग दे दूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास 23, यानी इसमें भाग दिया तो 23 आया, तो ये हो गया 23/1000, ये हो गया 0.023 अपने पास आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास पहले 6 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये इनका एवरेज है, ये टोटल हो जाएगा, स्टूडेंट 6 है, इनका एवरेज x है, तो इनकी टोटल कितनी होगी 6x। अब ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट और आ गया, सातवां आ गया, उसके नंबर कितने हैं, सातवें के नंबर हम मान लेते हैं y। अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो नए छात्र का प्राप्तांक तो वह है वाई, समूह के पहले के औसत अंक से, समूह के पहला औसत कितने अक्स से कितना ज़्यादा है, तो अपना जो आंसर निकालना है y - x निकालना है कि y - x कितना होगा। ठीक है, अब देखो अक्स क्या है, अक्स है पहला एवरेज, और y क्या है, जो नया छात्र आ रहा है उसके नंबर है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पूरा, 6 स्टूडेंट है उनका औसत अक्स है, तो टोटल हो गया 6x, एक सातवां स्टूडेंट हो रहा है जिसके नंबर है वाई, जिसके नंबर है वाई, तो उसका जो औसत है अगर हम इसके नंबर ऐड कर दें, इसके नंबर ऐड कर दे, टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 6x + y हो जाने चाहिए, 6x पहले के और सातवें के y नंबर है और ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर हो गया y। देखो ये लाइन देखना, सातवें के मैंने y नंबर और ऐड कर दिया, ये y के सातवें का नंबर है, तो टोटल हो गया 6x तो पहले वाला हो गया और y और हो गया। लेकिन इसी में एक और कह रहा है कि इसका जो एवरेज है वो 3 नंबर से बढ़ जाता है, पहले एवरेज x था और अब एवरेज हो गया x + 3। अगर x + 3 एवरेज हो गया, ये 7 जनों का है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7x + 7 × x + 3 ये हो जाएगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, क्यों, ये भी कुल नंबर बता रही है 7 का, ये भी कुल नंबर बता रही है 7 का, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, 6x + y बराबर हो गया 7x + 7 = 21, क्यों, 7 × x 7 × 3। अब देखो ये 6x उधर गया 7x में से, तो ये हो जाएगा x + 21 y, ये x इधर आ जाएगा y - 21 = x, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही अपने को निकालना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई NTPC ग्रेजुएशन लेवल के लिए जरूर देख के जाइएगा, और दोबारा से नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये था अपना पार्ट नंबर 9। पसंद आया आपको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।